ये हैं घरों में पाले जाने वाले सबसे अजीब पालतू जानवर। नंबर 6। दोस्तों अब मिलिए दुनिया के सबसे बड़े पिटबुल से। 17 महीने के पिटबुल का वजन करीब 76 किलोग्राम है। जब ये विशालकाय डॉग अपने पैरों पर खड़ा होता है तो अपने मालिक मार्लोन और लीजा ग्रिनन के सामने विशालकाय टावर की तरह दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये पिटबुल 4.4 पाउंड मीट रोजाना खा लेता है। इतना भारी भरकम और विशाल आकार वाला ये डॉग केवल एक ही झटके में किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन इसके मालिक का कहना है कि ये उनका आज्ञाकारी है, उनके लिए बहुत वफादार और उनका बहुत ध्यान भी रखता है। नंबर 5। फिनलैंड में करीब 2,12,000 सिंगा पाए जाते हैं और ये सभी जंगलों में झुंड बनाकर रहते हैं। लेकिन ये रेंडियर बचपन से ही अपनी माँ से जंगल में बिछड़ गया था। इसके बाद एक लड़के ने इसको वहां से बचाया और पिया के घर पर ले आया। पिया ने इसकी देखभाल करने का फैसला किया और तब से ही ये रेंडियर पिया के साथ ही रहता है। आज ये रेंडियर फिनलैंड का सबसे ट्रेंड और समझदार रेंडियर बन चुका है। जहाँ अधिकतर रेंडियर अपना समय खेतों और जंगलों में बिताते हैं, लेकिन ये रेंडियर घर पर बैठकर आराम से टेलीविजन देखने में अपना समय व्यतीत करता है और साथ ही इंसानों के साथ घूमने का लुत्फ उठाता है। नंबर 4। आमतौर पर सुअरों को फार्म हाउस में ही पाला जाता है क्योंकि गंदगी में रहने की इनकी आदत के चलते लोग इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। लेकिन कनाडा में रहने वाले स्टीव जेनकिंस और डेरिक वॉल्टर ने इस सुअर को अपने घर में पाल रखा है। जब ये छोटा था तब इन्होंने इसे एक छोटा पिग समझकर अपना लिया था और शायद ये इस बात से अनजान थे कि बाद में इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा। आज एस्थर नाम का ये सुअर 300 किलो का हो चुका है। लेकिन समय के साथ ही इनको एहसास हो गया कि एस्थर किसी अच्छी नस्ल के कुत्ते की तरह ही इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट भी है। एस्थर आसानी से घर के सारे दरवाजे और यहाँ तक कि फ्रिज भी खोल लेता है। हालांकि इनके घर के बाहर एक फार्म हाउस भी बना हुआ है जहाँ और भी बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन एस्थर को इनके साथ घर में रहना ही पसंद है। नंबर 3। दुनिया भर में कुछ लोग अपने अजीब पालतू जानवरों के लिए जाने जाते हैं। भालू दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक है। ये करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेते हैं और करीब 8 फीट की छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। लेकिन रूस में रहने वाला ये दंपति इसलिए मशहूर है क्योंकि इसने एक भालू को पाल रखा है। जब ये भालू मात्र 3 महीने का था तब से ये इनके पास है और लगभग 23 साल बीत जाने पर भी ये इनके साथ ही रहता है और इनके घर का अहम सदस्य बन गया है। इसके मालिक का कहना है कि 298 पाउंड का स्टीफन एक बार में 22 किलोग्राम मछलियां, अंडे और सब्जियां खा जाता है। इसके साथ ही इसको दूध भी बहुत पसंद है। इसके मालिक का कहना है कि बहुत ही चालाक होने के साथ साथ दयालु भी है। आज तक कभी भी इसने इंसानों के सामने आक्रामकता नहीं दिखाई है, उल्टा ये पूरे दिन घर में बैठकर टेलीविजन देखता है, गार्डन में घूमता है, फुटबॉल भी खेलता है और सारे दिन खुशी से इनके साथ रहता है। नंबर 2। दोस्तों पालतू जानवर के रूप में किसी जंगली भैंसे को पालने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा क्योंकि इनका आकार बहुत विशाल और स्वभाव बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का होता है। लेकिन दुनिया में जिंदगी को थ्रिलर बनाने वाले लोगों की कमी नहीं है। मिलिए जिम समर और उनके पालतू जंगली भैंसे बेली जूनियर से। बेली जूनियर नाम के इस जानवर को जिम समर अपना पालतू जानवर ही नहीं बल्कि इसे अपना फैमिली मेंबर भी मानते हैं। 830 किलोग्राम वजनी बेली जूनियर की हाइट लगभग 78.7 इंच और लंबाई 94.5 इंच है। बेली जूनियर को घर पर खेलना पसंद है और साथ ही इन्हें अपने मालिक के साथ गाड़ी में घूमने का भी शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम समर ने बेली जूनियर को अपने साथ घुमाने के लिए अपनी गाड़ी को अलग तरह से डिजाइन भी करवाया जिससे ये विशाल आकार का जानवर आसानी से गाड़ी में आ सके और दोनों घूमने का भरपूर मजा एक साथ ले सके। नंबर 1। जेरी गिलबर्ट मिशिगन में एक फार्म हाउस के मालिक है जिनके पास बहुत से जानवर हैं, परंतु इन सब में इनका फेवरेट जानवर है ये बिग जैक नाम का घोड़ा। 15 साल की उम्र में बिग जैक का नाम दुनिया में सबसे लंबे और बड़े हॉर्स के रूप में गिनीज बुक में भी दर्ज है। ये वजन में 2600 पाउंड यानी कि 1180 किलोग्राम का है। इसका मालिक जेरी गिलबर्ट इसकी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं। ये रोजाना 20 किलोग्राम चारा और 40 किलोग्राम ओट्स खा लेता है। जहाँ आमतौर पर अन्य घोड़ों के लिए 12x12 फीट का एरिया पर्याप्त होता है, वहीं बिग जैक के लिए 20x20 फीट के एरिए की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही इसको कहीं भी लाने ले जाने के लिए छोटे ट्रेलर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए कि आपको इन सब में से सबसे अजीब पालतू जानवर कौन सा लगा।